हेलो फ्रेंड्स, आपका रीना किचन रेसिपी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं खास्ता ठेकुआ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिहार साइड में बहुत ही प्रसिद्ध है और ये छठ पूजा पर अक्सर बनाई जाती है। कोई भी फेस्टिवल में तो इसे बनाई ही जाती है बिहार में, और जब हम कहीं बाहर सफ़र पे भी जाते हैं तो इसे बना के लेके जाते हैं। तो ये ठेकुआ बहुत ही खास्ता है और बहुत ही स्वादिष्ट, बिस्किट की तरह बहुत ही अच्छी बनी है। इसे आप बिना बेक किए भी बिस्किट बना कह सकते हैं, बिना बेक किया हुआ बिस्किट बहुत ही स्वादिष्ट है। ब्रिटानिया बिस्किट जो आप खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है बिस्किट बन के तैयार है। तो चलिए बनाते हैं इस बिस्किट को, यानी ठेकुआ को। ये पारंपरिक ठेकुआ या बिस्किट बोल सकते हैं इसको आप। तो इसके लिए देखिए, मैंने 1 kg मैदा लिया है, उसमें मैंने 100 ग्राम नारियल का बुरादा जो है वो डाल दिया है। नारियल के बुरादे से बहुत अच्छी टेस्ट आती है नारियल की, और ठेकुआ खाने में भी बहुत मस्त लगता है। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे मैदा के साथ में। आप आटा में भी बना सकते हैं, बस इसी यही ऐसे ही सेम करना है। मैदा की जगह सिर्फ हमको आटा लेना है, और हम चीनी का पाउडर ले रहे हैं, तो आप चीनी भी ले सकते हैं। इसे चीनी का पाउडर लेने से अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। तो हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे मैदा, चीनी का पाउडर और नारियल के बुरादों को अच्छी तरह से हम हाथ से पहले मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी चीनी भी चाहिए, मुझे लग रहा है कि मीठा कम होगा, तो मैं सभी चीनी को डाल दे रही हूँ। 1 kg आटा है, मतलब मैदा, 1 kg मैदा मैंने लिया है। और देखिए घी है 4 से 5 चम्मच, थोड़ी सी घी हम बचा लेंगे। और घी को हम अच्छी तरह से मैदा में मिक्स करेंगे। घी अच्छी तरह से डालने से बहुत अच्छा स्वाद और खस्ता बनता है। एक बार आप इस रेसिपी को इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें, आपकी ठेकुआ की रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी और आपकी ठेकुआ बहुत अच्छी बनेगी। अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है घी को। इसमें अब हम काजू लेंगे। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डालिए, लेकिन काजू डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 कटोरी मैंने काजू लिया है, उसे मैंने 2-2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब आटे के साथ हम अच्छी तरह से काजू को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो इलायची तो। और अच्छी तरह से हम मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को तैयार कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगती है, तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के हम आटा को तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करते जाएंगे। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है ना, उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूंगी ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। अब इस तरह से थोड़ी थोड़ी आटा को हम तोड़ते हुए, जैसा आपको साइज पसंद हो उस हिसाब से आप आटा का बॉल तोड़ लीजिए। इस तरह से बॉल बना बना के हम रख लेंगे।
देखिए बॉल बनाने के बाद इस तरह से हम एक काटा चम्मच जो है उससे हम डिजाइन बना लेंगे। आप सांचा में भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से काटा चम्मच से भी हम बना सकते हैं। तो मैंने इसे काटे चम्मच से ही डिजाइन करके बनाया है। ये देखिए इस तरह से हम बना के तैयार करेंगे सभी ठेकुओं को। और ये ठेकुआ बहुत ही खास था और बहुत ही स्वादिष्ट होती है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये ठेकुआ कितना खासता बनी होगी। इस तरह से हम तैयार करके रख लेंगे। देखिए मैंने सारे ठेकुओं को तैयार करके रख लिया है। अब हम इसे तेल तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने घी गरम कर लिया, मैं इसे घी में बना रही हूँ। तो घी गरम हो चुकी है तो अब हम इसको धीरे धीरे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम में तलना है। हाई फ्लेम में तलने से ऊपर से पक जाएगी लेकिन अंदर से एक सिकेगी नहीं, इसीलिए हम इसे मीडियम फ्लेम में ही तलेंगे। अगर हम लो फ्लेम में तलेंगे तो भी ये अच्छी तरह से नहीं पकेगी, तो इसे मीडियम फ्लेम में ही इसे तलना चाहिए। जितना हमारा ठेकुआ आएगी एक साथ उतना हम डाल लेते हैं और धीरे धीरे हम इसे पलटी करेंगे क्योंकि बहुत खास्ता है तो टूटने का भी डर होता है। धीरे धीरे छठ पूजा पर भी इसे बनाया जाता है, लेकिन छठ पूजा में हम मैदा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैदा की जगह हम आटा का इस्तेमाल करते हैं। और आटा बस सेम जैसे बनता है वही वैसे ही बनेगा बस, लेकिन हम मैदा की जगह आटा को लेंगे। ये देखिए बन के तैयार है और कितनी स्वादिष्ट लग रही है देखने में, नज़दीक से देखिए। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे प्लेट में। और छठ पूजा में भी ठेकुआ जो है घी में बनता है, इसलिए मैंने इसे घी में ही बनाया है। इसी तरह हम सभी बैच को तल के निकाल लेंगे। ये देखिए ये भी बैच हमारी तल गई है, तो इसे हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे हम तलेंगे कि अंदर से भी सिक जाए। देखिए सारे ठेकुए बनके तैयार हैं, बहुत ही खास्ता बहुत ही स्वादिष्ट ठेकुआ बने हैं। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये ठेकुआ की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आशा करती हूँ आप लोग इसे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।